ठीक है, अब क्वेश्चन देख क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दीज नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोगों ने इसके पिछले वाला क्वेश्चन क्या किया कि अगर कोई नंबर है उस नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमें पता था कि इस नंबर का जो यूनिट प्लेस रहेगा, यूनिट यानी पहला लेटर, वो क्या होता था, हमारा रिमाइंडर आता था। ठीक है, जैसे कि 20 को डिवाइड किया 10 से, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 0। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे मान ले कि 222 है, उसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा, तो इसका पहला दो डिजिट होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, वो पहला दो डिजिट क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देख जैसे अगर मैं कहूं कि 550 है, ठीक है, और इसको मैं 100 से डिवाइड करना है, तो 100 पंजे 500 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा क्या यहाँ पे 50, तो ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, यानी जो पहले दो डिजिट, अगर यहाँ 2 सुनना तो लास्ट से 2 डिजिट, 1 सुनना तो लास्ट का 1 डिजिट। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी नंबर है, अगर उसे कहे कि 1000 से डिवाइड करना है, तो याद करना उस नंबर का लास्ट का जो 3 डिजिट रहेगा वो क्या रहेगा, रिमाइंडर आएगा। समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि 100 से डिवाइड करो इसको, किसको किसको, 51, 27, 35, 52 और 75। तो देख इसको हम क्या कर सकते हैं, 51, 27, 35, 52 और 75 ना, 51, 27, 35, 52 और 75। ठीक है, इसको डिवाइड कितने से करना है, 100 से। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इसका जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है वो सारे के सारे नंबर को एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे शुरू करते हैं, यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं ना, देखते हैं कितना डिजिट आता है। ठीक है, जैसे 1 × 7 × 5 × 2 × 5, ये ना 1, 7, 5, 2, 5, 1, 7, 5, 2, 5, इसको टोटल करें तो 5 × 10 = 50 और 50 × 7 = 350। यानी लास्ट दो डिजिट क्या है, 50। यानी इस पूरे नंबर को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 50। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। बस समझ में आ, तो अब कोई भी चीज रहे, चाहे 10 से दिया रहे, ठीक है, अगर पावर है तो पावर को हमें उस तरीके से निकालना रहेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में किया। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का देखना है, 100 से है तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 1000 का है तो लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। बस समझ में आ रहा है। ओके।